हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस हेल्थ वीडियो में हम बात करने वाले हैं मौसम के बदलते मिजाज के हिसाब से जब आपको दिक्कतें बढ़ने लगती हैं, जैसे कि सीजन बदलते ही अक्सर लोगों के गले में खराश, बुखार और जुखाम की समस्या होती है। इन लक्षणों को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये कई बार खतरनाक बीमारी का रूप भी ले सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आप देख रहे हैं NBT लाइफ और मैं हूँ आपकी दोस्त सोनम। तो सर्दियों की शुरुआत में लोग जुखाम, खांसी, बुखार से परेशान रहते हैं। इस मौसम में कई बार लोगों को गले की खराश की शिकायत भी रहती है। अगर आपके शरीर में भी ऐसे ही कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो इन्हें हल्के में आपको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। ये लक्षण कोरोना, फ्लू, वायरल या फिर स्वाइन फ्लू के हो सकते हैं, इसलिए बिना लापरवाही बरते आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए। आपकी जरा सी लापरवाही भी आपकी जान के लिए खतरा साबित हो सकती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि फीवर और गले में खराश होने से कौन कौन सी बीमारियों के लक्षण पैदा हो सकते हैं, यानी कि ये कौन कौन सी बीमारियों के लक्षण होते हैं। अगर कोरोना की बात करें तो भारत और कई और देशों में कोरोना के दो नए वेरिएंट सामने आए हैं। इसमें पहला है ओमिक्रॉन और जो नया सब वेरिएंट है जिसका नाम है BA.5.1.7 और BF.7.8। इन्हें काफ़ी संक्रामक वेरियंट्स माना जा रहा है। इनमें लोगों को कुछ इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं, जैसे कि गले में खराश, बुखार आना, सीने में दर्द होना, सुनने में परेशानी होना और कपकपी आना, स्मेल का बदलना, नाक बहना, लगातार खांसी होना। स्वाइन फ्लू के भी इस तरह के ही कुछ लक्षण हैं। स्वाइन फ्लू एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो एक से दूसरे में फैल सकता है। हालांकि भारत में स्वाइन फ्लू पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन फिर भी आपको सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए इसके लक्षण भी आपको बता देते हैं, जैसे कि बुखार आना, खांसी आना, गले में दर्द या फिर खराश होना, नाक बंद होना या बहना, शरीर में दर्द होना, चक्कर आना, डायरिया और उल्टी। सीजनल फ्लू के लक्षण भी कुछ इसी तरह के होते हैं, जैसे कि गले में खराश, बुखार, ये सीजनल फ्लू में भी आप लक्षण देख सकते हैं। फ्लू में अक्सर ज़्यादातर आपको खांसी होती है, जुखाम होता है, बदन दर्द होता है, सिर दर्द होने लगता है, नाक बहने लगती है, तो ये सब लक्षण आपको इन बीमारियों में नज़र आते हैं। तो लगभग सभी के लक्षण सेम है, इसलिए आपको जांच कराते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन दिनों वायरल जो है वो बहुत ज़्यादा चरम पर है। अगर आप बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर रहे हैं, पूरे शरीर में आपको दर्द हो रहा है, बुखार है, या फिर ये सारे लक्षण आपको जो मैंने पहले बताए वो हो रहे हैं, तो ये भी वायरल के लक्षण हो सकते हैं। इसमें गले में खराश होती है, खांसी होती है और ये आम वायरल तेज़ी से फैलता चला जाता है, जो कि सर्दी में लगभग इसमें बुखार बहुत तेज़ी से आता है। कई बार आपकी स्किन में रैशेस भी होने लगते हैं। तो ये सब संकेत हैं, यानी कि ये सब लक्षण हैं जिसके मुताबिक आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए और समय रहते ही इलाज शुरू करवा देना चाहिए। इसे इग्नोर करने से बाद में आप परेशानी में पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, मौसम बदलने से कई बार हम हल्के में ले लेते हैं खांसी को, गले दर्द को और ये सब चीज़ें। हम सोचते हैं कि शायद हम घर पर ही कोई रेमेडी कर ठीक हो सकते हैं या फिर थोड़ा बहुत इलाज करके या एंटीबायोटिक्स खा के हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आप कोई भी दवा अपने मन से ना खाएं, डॉक्टर की सलाह पर ही आप कोई भी दवाई खाएं। अक्सर इस तरह से करने से हमें और प्रॉब्लम्स भी बढ़ सकती है, जैसे जिन लोगों का BP ज़्यादा हाई होता है वो बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई ना खाएं, स्पेशली फ्लू से जुड़ी हुई, क्योंकि कुछ दिन पहले ही हमने कोविड जैसे एक भयंकर वायरस को एक्सपीरियंस किया है। ऐसे में आपकी इम्यूनिटी अब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, तो आपको बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी चीज़ को नहीं खाना चाहिए, चाहे वो दवा हो या फिर आपकी डाइट हो। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सलाह ज़रूर काम आई होगी और ये सभी लक्षण अगर आपको भी हो रहे हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं और उनसे सलाह लें, क्योंकि इनमें से कोई भी लक्षण जो है अगर आपको है तो वो फ्लू या स्वाइन फ्लू या फिर किसी भयंकर वायरस का हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके ज़रूर काम आएगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने कमेंट्स भेजिएगा, अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स को वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, NBT लाइफ को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। We'll be right back.